अब आपके अंदर एक और तीसरा चक्र है जो कि वास्तव में दूसरा माना जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। ये चक्र जो है ये आपको ब्रह्मदेव की शक्ति देता है, जिसकी वजह से मनुष्य विचारता है, विचार करता है, आगे की सोचता है, कोई चीज़ बनाता है। जैसे एक आपने फर्नीचर बना लिया, एक पेड़ टूट गया, आदमी ने सोचा चलो फर्नीचर बना ले, तो पहले मेरे ख्याल से बहुत बूढ़े लोगों के बनाते होंगे फर्नीचर जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते होंगे, करते करते जवानों ने कहा कि हम भी फर्नीचर बना लें, करते करते फर्नीचर बैठ गया सर पे, ऊपर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी लेके चलना पड़ता। ये जो शक्ति है इससे मनुष्य क्रिएट करता है, सर्जन करता है, और इस सर्जन शक्ति को हम जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तब सपनों का मधे मधे सगाने जिसमें जिस वक्त ये शक्ति को हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब एक ही शक्ति को इस्तेमाल करने की वजह से और जितने भी चक्र हैं उनसे हमारा संबंध टूट जाता है। एकांगी जीवन जिसकी होता है उसके साथ ऐसे जाती, और जब ये संबंध उस संपूर्णता से टूट जाता है तब हम अपनी तरीके से चलने लग जाते ऑन माई ओन, और इसी को हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो कैंसर की बीमारी से प्लावित होगा। उसको शरीर का कैंसर नहीं होगा तो मन का भी हो सकता है। जितने भी अहंकारी लोग होते हैं उनको मन का कैंसर होता है, वो सोचते हैं कि मुझसे बढ़ के दुनिया में कोई, और वो जिसको छूते हैं वो भी यही सोचने लगता है। वो किसी के घर में पाँव रख दे तो बच्चे भी सोचने लग जाए, उनकी ऐसी कृपा होती कि जहाँ उन्होंने बात की तो घोड़े बैल सब उनके जैसे हो जाते। जो अहंकारी मनुष्य होता है, जो अहंकार करने लग जाता है, तो उसको देखे देखे सब लोग अहंकार करने लग जाते। अब हिटलर इसका एक उदाहरण है, जो अहंकार में इतना भर गया कि उसने सोचा कि मैं कोई विशेष जीव हूँ, और वो जिसको छूता था वो ये सोचता था, यहाँ तक कि उन लोगों को मार डाला, हालत खराब कर दी, किसी के समझ में ही नहीं आया, इतने लाखों लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया और सब बेवकूफ़ों की तरह उसकी बातें सुनने लगे, और छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को उसको गैस चैम्बर में मार दिया, और उनकी अकल ही नहीं थी। तो मैं बहुत अकलमंद हूँ ऐसे समझ के जो आदमी चलते हैं उनके लिए हिटलर है सामने, दूसरे खोमिनी साहब हैं, ईडी अमीन है, ऐसे बहुत सारे हैं आपको दिखने के लिए। और अहंकार जिस आदमी में होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए पित्त के जैसे ऊपर में पीले रंग अहंकार, ये स्वाधिष्ठान चक्र के चलने से होता है, और इसकी शक्ति जो है उसको ये राइट साइड की सरस्वती की शक्ति जो है उससे मिलती है। अब जिस आदमी के पास सरस्वती की शक्ति आ गई वो अपने को दुनिया में सबसे होशियार समझता है, और इतना इस्तेमाल करता है कि उस इस्तेमाल के जैसे बाई प्रोडक्ट की तरह से हमारे अंदर यह अहंकार तैयार हो जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री खूब चलाई तो उसमें धुआं होता है, उस तरह से हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। और अहंकार का लक्षण क्या है आपको आश्चर्य होगा, बेवकूफ़ी। जो अहंकारी मनुष्य होता है अत्यंत बेवकूफ़ होता है, उसकी बातें जिसको कहते हैं एकदम स्टूपिड जैसे, इडियोटिक, बड़ा इडियट होता है। कोई आदमी आपसे कहे कि मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट से फर्स्ट आ गया, और मैं फलाना हूँ, और मैं यहाँ का राजा हूँ, और ये मंत्री हूँ, उसे कहना भैया मैं गरीब, मुझे माफ़ करो, तुम यहाँ क्यों आ गए। हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा कि नारद जी को एक बार अहंकार हो, और उन्होंने कितनी बेवकूफ़ी की, और माया नगरी में चले गए और वहाँ बेवकूफ़ जैसे बंदर बन के और वो दुनिया भर की चीज़ें करने लगे। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को सब दुनिया हंसती है पीठ पीछे। आप देख लीजिए ऐसे अहंकारी लोगों की पीठ पीछे आप तारीफ सुनिए तो लोग एक बड़ा जोक बना के हंसते कि साहब ये बेवकूफ़ जो है अहंकारी, ये अपने को समझते तो अफलातून है लेकिन है ये अहंकार, और ये अहंकार जो है मनुष्य को
बेवकूफ़ी की ओर ले जाता है और बेवकूफ़ होते जाता है, उसको समझता ही नहीं कि वो बेवकूफ़ है। अंत में उसका हृदय भी जो है एकदम दब जाता है, उसका हृदय एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि अहंकार जो है ये हृदय चक्र ब्रह्मचंद्र यहाँ पे जो ब्रह्मरंध्र है इस ये हृदय का पीठ और उसको वो ढक लेता है। और जब अहंकार उसको ढक लेता है तो हमारा हृदय एकदम ऐसा दब जाता है। और जब ऐसा हृदय हो जाता है मनुष्य का तो वो इस कदर दुष्ट प्रकृति का हो जाता है कि आश्चर्य होता है कैसे दुष्ट। अब परदेश में आप जाइए, पता नहीं हमारे हिंदुस्तानी वहाँ जाके कैसे रहते हैं, मेरा तो वनवास शुरू है। लंदन शहर में कहते हैं कि हर हफ्ते में 2 इंसान मारे जाते हैं और वो कौन, तो छोटे बच्चे और मारने वाले उनके माँ बाप। सोचे यहाँ कोई सुन भी सकता है ऐसी बात? ये अहंकारी लोगों ने कार्य किया, इनका अहंकार है कि उनको कोई किसी के प्रति भावना नहीं, ना बच्चों के प्रति, ना माँ के प्रति, ना बाप। इस तरह के अहंकार में जब आदमी टूट जाते तब उनकी बेवकूफियाँ प्रतीत होती उनके काम से। अपने यहाँ एक से एक राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन कितने नम्र थे। शिवाजी महाराज का किस्सा सुनिए, ऐसे अपने यहाँ हो गए शिवाजी महाराज जैसे लोग, अब तो ऐसा लगता है कि वो ज़माने कुछ और था। उनके अगर रामदास स्वामी आए जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने आकर के और बाहर से आवाज़ लगाई तो शिवाजी गए, उनके पैर छुए, उनके पैर पे अपना सर से ताज उतार के रख दिया। गुरु महाराज कैसी कृपा हुई, कहले मैं तो भिक्षा लेने आया, तो अंदर जाके एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि गुरु महाराज हमारा जितना राज्य आपके चरणों में, और ला करके एक क्षण में दी, या आप इसको राज्य लीजिए, सारा आपके चरण। आजकल कोई राजा महाराजा तो संत साधुओं के दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर देगा, कोई कहेगा कि भाई अंदर भी आओ, एक कोई काम कराना चाहिए, आप सरकारी नौकर किसी के पास जाइए तो वो दफ्तर में आपको बिठा के रखेगा प्यून के साथ में घंटों। अरे भाई एक छोटा सा हमारा काम है, क्या करें, आप सरकारी अफसर हैं, यहाँ एक हमारा एक इसका काम है सहयोग का, हम तो कुछ पैसा ऐसा नहीं लेते हैं, आप हमसे इतना सा ले लीजिए। तो वो कहेंगे चलिए आप बैठिए माँ, वो नहीं कोई पूछेगा भी। और यहाँ तो साक्षात जो राजा थे वो जा करके उन्होंने अपनी सारे राज्य को प्रदान कर, और राज्य को प्रदान करके और उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ त्याग चुका। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो साधु आदमी, हम क्या राज करेंगे, राज तो तुम्हें को करना है क्षत्रियों को, लेकिन इतनी बात है अगर तुमने हमें प्रदान कर दिया तो प्रतीक रूप से ये जो हम छाटी पहनते हैं इसका तुम झंडा बना, वही झंडा बना लिया। अब मैं देखती हूँ वो झंडा राजकारण में लोग लगा रहे। अरे भाई वो झंडा तो सन्यासियों का लक्षण है, उसको गाय को छूते हो आप लोग, छोड़ दो उसको तो छोड़ो कम से कम। इस प्रकार हम लोग सब चीज़ का गड़बड़ी कर रहे हैं, किसी का दिमाग सही नहीं चल रहा। और हम लोग जब इस बेवकूफ़ी में बहते जाते हैं, इस अहंकार में, तो ये समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ बह रहे हैं। लेकिन अब जो देश इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जिन्होंने एटम बम और दुनिया भर के बम बना करके अपने विध्वंस का पूरी व्यवस्था कर रही, वो एकदम जाग उठे कि बाप रे बाप, कौन से राक्षस हमने इकट्ठे करे हैं और ये तो हमको ख़त्म कर देंगे। अगर अमेरिका ने एक बटन दबाया तो रशिया ख़त्म हो गया, रशियन ने दबाया तो ये ख़त्म हो गया। जब मुकाबले पर आ जाता है मामला तब लोगों के खोपड़ी में बात आती है कि भाई ये क्या हमने ऐसा एडवांसमेंट कर ली, क्योंकि हृदय तो रहा नहीं, आत्मा जिस चीज़ में नहीं रहता है उसका यही हाल है। कोई सी भी चीज़ बगैर आत्मा के आप करिए, पे आपका राजकारण हो चाहे आपका कुछ भी, आत्मा के बगैर की हुई सब चीज़ जाके नश्वरी होगी और नष्ट होगी और नाशकारी कभी ठीक। अब आप लोग भी डेवलपिंग हो रहे हैं, मतलब आजकल आप लोग डेवलपिंग, कल आप डेवलप्ड हो जाएंगे, तो वही नमूना हो जाएगा कि आपके बच्चे हिप्पी हो जाएंगे और आप 2-4 बच्चों को मार डालिएगा रोज़, और बीवी हस्बैंड का रोज़ झगड़ा, और उसके बाद डिवोर्सेस होंगे, सब लोग ऑर्फनेज अनाथालय में जाके रहिए और शराब पीजिए बस, और कोई धंधा नहीं रहे। ये इंतजाम आपका अगर कर रहे हैं तो
तो मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए। लेकिन जान लेना चाहिए कि बड़ी भयानक चीज है, इसे बचना चाहिए, बहुत भयानक चीज है। और इसे बचने के लिए पहले आत्मा को पा लीजिए, फिर चाहे आप डेवलपिंग करिए, चाहे कुछ करिए, पहले आप आत्मा को पा लीजिए, नहीं तो ये सत्यानाश में आप फंस जाएंगे। इसलिए जो गलत रास्ता है उससे मत जाइए कोई भी वजह से। अब कोई है साहब, जर्नलिस्ट है एक साहब, आके बैठ गए, मुझसे लगे लड़ने। मैंने कहा भैया मुझसे क्यों लड़ रहे हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। कह लगे कि नहीं माता जी, बात यह है कि आप तो कह रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा हो तो जाएगा, ये तो बात है, अगर धर्म जागृत हो जाए और आत्मा जागृत हो जाए तो सब ठीक होने वाला। तो फिर कह ले हम अखबारों में क्या लिखेंगे, अखबार में तो हम ऐसी बातें छापते हैं जब कोई खराबी, एरोप्लेन कहीं गिर गया, कोई मर गए, 50 लोगों की हालत आ गई, तब छापते, तो अब क्या छापे, सारी दुनिया ही उल्टी घूम रही। तो मैंने कहा भाई कभी कभी तुम मनुष्य भी तो होते हो गए, कभी कभी तुम इंसान भी तो होते हो गए, क्या हमेशा जर्नलिस्ट ही रहते। और जब तुम इंसान होकर सोचते हो गए तो देखते हो गए कि क्या चल रहा है तुम्हारे और भाई बहनों के साथ, क्या हो रहा है और तुम्हारे मानव की क्या दशा हो रही है, इसको सोचो तुम और इधर तुम आओ। पहले माँ ये तो बात है, मेरे घर में ही बड़ी दुर्दशा है और तुम्हारे समाज में उसमें और भी दुर्दशा, और तुम्हारे देश में उसमें तो बहुत ही दुर्दशा, और सारे संसार में दुर्दशा है। इसको अगर ठीक करना है तो अपनी आत्मा को पाओ, सबसे कहो आत्मा को पाओ। आत्मा को पाते ही परमात्मा की जो शक्ति हम लोगों से अगोचर अलग निरंजन है, वो हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाएगी, हम उसके पास हो गए, उसके प्रेम और उसके आनंद में हम बह गए। उसको पाओ, उसको पाए बगैर कुछ भी सुलझने नहीं वाला। आज सारा ही भाषण कर सभी चक्रों पर दूर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आज मैंने स्वादिष्टान और मूलाधार के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ और थोड़े गुरु तत्व पे बात करी है। अपने अंदर का गुरु तत्व को जागृत कर लेना, यह हमारा परम कर्तव्य है। उस गुरु तत्व को जागृत करके और आप अपने ही को सही रास्ते पर ले आए। आज संसार ऐसे कगार पर खड़ा है कि विध्वंस बाहर से तो है ही, लेकिन अंदर से भी बहुत जबरदस्त। हर तरह की बीमारियां आज अपने सामने आके खड़ी हैं, इन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं है। ये जो विध्वंस हमारे अंदर से हो रहा है, जो हम अंदर ही से टूटे जा रहे हैं, उधर हमारा कोई भी ध्यान नहीं। हमारे बाल बच्चे, हमारे जो कुछ अपने हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं। उनको सबके जोड़ने का एक ही तरीका है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है उसको प्राप्त करें, परमात्मा के साम्राज्य में उतरें और उसको बरतें। और ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार से ही घटित हो सकता है, जो के आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। ये तो बात बिल्कुल गलत है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बगैर पैसे के कैसे काम चलते हैं। आप जो श्वास ले रहे हैं उसका कितना पैसा जो दे रहे हैं मुफ्त ही में लेते हैं, जो आप इंसान बने हुए हैं अमीबा से उसका आपने कितना पैसा चढ़ाया भगवान को। जितनी भी मूल्यवान और ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन के लिए वो सब मुफ्त है, इसीलिए हम जीवित हैं। नहीं तो जिस तरह के हम लोग हैं, कभी कभी लगता है कि जीवित रहने का भी अधिकार नहीं, लेकिन परमात्मा ने सब मुफ्त ही दे दिया। उनकी परम करुणा, परम पार, उनका प्यार सारे संसार में बह रहा है, इसीलिए हम लोग आज चल रहे हैं। सिर्फ उस प्यार को अपने अंदर बसा कर उसका प्रकाश सारे संसार में फैलाना है।